बिलासपुर में रेलवे कर्मी की पत्नी प्रियंका सिंह की आत्महत्या के मामले में एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रियंका ने आत्महत्या से पहले फेसबुक पर लाइव आकर और एक पोस्ट लिखकर इन आरोपियों पर छेड़छाड़, प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। आत्महत्या के बाद प्रियंका द्वारा फेसबुक पोस्ट में लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह सोमवार को परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मृतक महिला के पति और उनके बेटियों से बात की थी और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कल जो घटना हुई है उसके सिलसिले में हम लोगों ने उनका जो फेसबुक आईडी में जो उन्होंने लिखा है, कमेंट्स लिखा है, वो एक तरीके से बहुत गंभीर है और साथ में एक वीडियो भी डाला है। तो ये सारे कंटेंट बहुत सीरियस हैं और आपके जो उनके घर वाले हैं, इनके हस्बैंड हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं, बच्चियां हैं, इनसे भी काफ़ी विस्तृत बातचीत हुई है और इन सब के मद्देनज़र हम लोग इसमें एफआईआर करके जांच करेंगे और इसमें जांच में जो भी परिणाम निकलेगा वो फिर कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो तो जांच का विषय है। वो जो जो फेसबुक के उसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो उसमें रिकॉर्ड अपलोड है, तो उसके अनुसार हमने एफआईआर की है और उसमें कार्रवाई में सब जो 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 उन्होंने लिखा है उस सबके संबंध में जाँच की जाएगी कि क्या ऐसी परिस्थिति थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो आत्महत्या करने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, तभी जाके कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है या सुसाइड करता है, तो वो सारे कारण हम लोग इसमें पता करेंगे और बड़ी निष्पक्ष तरीके से हर एक पहलू पर इसमें जांच होगी और ये जांच सीएसपी सिविल लाइन को दी जा रही है। सीएसपी सिविल लाइन को मैंने कहा है, वो जांच करेंगे उनके, वो सब चीज़ें जांच में आएंगी। हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, वो मेडिकल एक्सपर्ट ये सब चीज़ें बताएंगे और जो भी उनके वीडियोस हैं और जो उनके बातचीत है, जो उनके परिवार के लोगों से बातचीत है, वो सब जांच में ही आएगा। सर, ये पप्पू यादव का जो सब नाम है वो उसके हिसाब से उन सभी पहलुओं पर जाँच होगी।